हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज धूप इतनी पड़ चुकी है ना, अभी तो कितनी तारीख है आज, पहले मैं तारीख सोच लूँ। 28 तारीख है आज। और ये हमने घास काट दिया यहाँ पे। क्या हुआ कि सुबह आज लेट आए घास को, बस लेट आए, यही बोलना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो गर्मी है, मतलब धूप में तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता। मैं छाया छाया में काट रही हूँ। गाने लगा के रखे थे यहाँ पे, और हनी पापा को दिखाती हूँ। सकते हैं आप, धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है। और टाइम अभी 10 नहीं बजे हैं, बज गए होंगे। और ये देखो, हम दोनों आए, और यहाँ पे जो जो लेटा होना कहीं घास के ऊपर, ये देखो ऐसा हरा हरा हो गया। आजकल घास हमारे ना ऐसा होता है, अगर हम नहीं काटते ना, मतलब काटने को रख देते हैं, तो इस तरह से होता है। और ये हमने काट दिया, बस एक दो दो पूड़ा काट लिया हमने। पेड़ों के ऊपर जो है वो आ चुके हैं पत्ते, पीछे पतझड़ थी, और अभी देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए। अब गर्मियों, देखो भगवान ने किस तरह की रीत बनाई है ना, कि सर्दियों में धूप चाहिए होती तो पतझड़ सर्दियों में होती है ना, वो उस टाइम जो है पत्ते बिल्कुल नहीं होते, और धूप अच्छी खासी आ जाती है आंगन में, खेतों में, हर जगह। और जब गर्मियों में छाया की जरूरत होती है तो फिर पेड़ों पे पत्ते आ जाते हैं। ये भगवान आपकी कुदरत है, और इसको सबका फिक्र है। हम समझते नहीं ना, हम अपनी अपनी फिक्र करते हैं ना, इस भगवान को सबका फिक्र रहता है, कि मतलब हर एक की चिंता रहती है। सभी मैं काट लेती हूँ, और मन दो दो पूड़े काट लिए हमने। और फिर हमने यहाँ इधर पार ना काथी का, जो क्या बोलते हैं उसको, काथी होता है जिसकी सब्जी होती है, उसको हम लेंगे वहाँ जाके। पिंक जिसके फूल होते हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो यहाँ एक डाली हमारे बहुत कम होती है ये चीज़ें, कहीं भूले भटके से एक आधी डाली हो गई तो हो गई। तो दिखाऊंगी भी कि इसके पत्ते कैसे होते हैं, ठीक है? अभी हम काट लेते हैं घास। हाँ जी, जय माता दी। तो अभी शाम का टाइम है, और मैं जा रही हूँ अपनी गाय ढूंढने। हन्नी और उसके पापा चले गए हैं पार, और मैं आज लगी थी, पता इतना टाइम क्यों हो गया मेरे को, मैं आज काथी का साग बना रही हूँ। तो काथी की सब्जी बोलो, साग बोलो, नहीं सब्जी बोलो, साग नहीं, साग में तो हम चावल डालते हैं, तो वो सब्जी हुई, उसका रायता बना रही हूँ। और कल आएगा, कल क्या मतलब इससे पहले आ जाएगा वो, इस वाली वीडियो से ना, इसके बाद आएगा कल सुबह, ये तो आज ही आएगी। तो रायता भी बनाऊँगी और सब्जी भी बनाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ पार, पार से हरा लहसुन के पत्ते और धनिया लाती हूँ, और उसको थोड़ा सा टाइम हो गया बनाते बनाते, वो तालना पड़ता है, साफ करके ना छांटना पड़ता है। और मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई है, पर आज बालों में बांधा नहीं कुछ नहीं, जैसे वो पॉलीथीन वगैरह बांधते ना, वो नहीं बांधा, तो वो सूख जाती है जल्दी इस वजह से। तो चलो, एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों को, कि नवरात्रे आ रहे हैं, पहले ही आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो नवरात्रों की, और माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, आप सभी के सपने पूरे करें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे लिए नवरात्रों का जो पर्व होता है, ये बहुत ही मेरे लिए, क्या शायद सबके लिए, जितने भी लोग माता रानी को मानते हैं उनके लिए बहुत खास होगा। और मतलब एक अलग सी खुशी होती है, अलग सी ही खुशी होती है जब ये आते हैं। साल में दो बार जो नवरात्रे आते हैं वो ओपन होते हैं ना, और दो बार जो गुप्त होते हैं, तो हमें तो इनका ही ज़्यादा पता है, और हम इनको ही सबसे ज़्यादा मनाते हैं, ठीक है? तो आप भी खुशी से मनाइए, माता रानी को घर में बुलाइए। वैसे वो घर में रहती हैं, वो दूर कहाँ रहती है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, कि वो नवरात्रों में 9 दिन जो धरती के ऊपर वास करती हैं, वैसे वो अपने बैकुंठ धाम में रहती हैं। तो बेसब्री से इंतजार है माता रानी के आने का। तो चलो अभी पार चलते हैं, घर में पहुंचने वाली मैं पहुंच गई, बस बात करते करते मैं उतरी थी, और अभी मैं ना पहुंच गई। इतना सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, और ऊपर हनी दे रहा है झाड़ू। देखो अब कितना हरा हो गया ना ये घास, ये तो मैं पहले काट चुकी हूँ, वो दूसरी बार आया है, तो इसमें वह नीचे से हरे हरे पलंगूर आ गए। तो वो देखो ऊपर हमारा घर, हनी झाड़ू लगा रहा है, और इस टाइम जाके कहीं ना थोड़ा सा मतलब वो होता है, जैसे गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। ये देखो हम पहुंच गए, और हमारा प्यारा सा घर, यहाँ पे हन्नी के पापा शायद वो पीस रहे हैं।
गायों के लिए दावा पीस रहे हैं। और इस साइड इन्होंने ना सामान थोड़ा टाणा, ये देखो ये सामान रखा। और ये कणक है मशीन में लगाई है गायों को दलिया बनाने के लिए, फिर से इसमें गिरा दिया है कुछ इन्होंने। इस वाले रूम में हमने अभी पेंट नहीं करवाया, करवाएंगे इसमें भी। चलो अभी आपको लेके चलती हूँ ऊपर। इस वाले गेट में भी हमने करवा दिया और जालियाँ देखो ब्लैक करवा दी सारी। अब इनमें ना खई नहीं, वो खई बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो एक दिन पानी देने के बाद कैसी हो जाती है जमीन, इतनी धूप है तो इसको पानी दे लेते हैं। मनी के पापा यहाँ मटर खाने बैठ चुके हैं और चलो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं हनी। अरे ऊपरों खेल लिया मया सुन, परे खानी कर, वो भी देती और खा कर और लेकिन ना रोके परे खा पांडे चीजा पांडे जा रहे हैं ऊपर देती। पूछने लगे आते ये तो बोले भाई पुट्टी के करती थी, ये तो रह गई थी देख रहा ते भी क्या कीते थे, खिड़कियां खोल रखी हैं है तो साफ ही है। देखो इसके ऊपर ना ये देखो धूल, अभी ये कई दिन तक बैठे रह गए सी, ये बस बंद ही रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये कर दिया सारा इसने बाहर जो भी था अंदर, देख लेती हूँ इसने किया भी कुछ अंदर की नहीं किया। अब इसमें पोछे रह गए बस लगाने को, इतनी धूल बैठ रही है जब तक इसमें सीट नहीं बिछा देते ना। और लाइट बालती हो गई बस, अब ये जो धूल है ना ये तो वही इसको पानी से धोएंगे रसोई को। और ये वाली चीज ये सारी साफ होनी है, यो टाइला ये सुख सारा कमरा साफ है, इसमें बस बिछाना ही है दबाएंगे बिछाने वाले। ये तो रह गए नीचे देखो ना, ये नहीं करते रे परे वो थाले की टुकड़ी फिक्स सा पहुंच के जान रहे खिड़की दे पीछे रिया पीछे खिड़की बंद कर दे। यहाँ पे मैच होंगे ग्रीन पर्दे या फिर जैसे ये वाली दीवार है क्रीम क्रीम है चलनी ये लाइट ऑरेंज नहीं नहीं तेरा पापा ने है रंग एक किरण दे रही थी आप दे दे पता इस राज्य को ले रख इस वाले तो ये देखो और बस हो ही गया। अब हमारे से आई और मेरा वो तो रह गया पर दुपट्टा। अब हमारे पास रहा इस कमरे का वो तैयार करने को, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मंदिर कहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलो अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मंदिर कहाँ बनेगा। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था और बिल्कुल सही क्वेश्चन था कि मंदिर आपने बनाया नहीं कहाँ बनाओगे, और दूसरा तुलसी के लिए, तो वो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो देखो ऊपर तो मंदिर की गुंजाइश नहीं थी, ठीक है, ऐसा नहीं था निकाल सकते थे हम बना सकते, लेकिन जब ऊपर किचन है तो दिखती बात थी कि लेडीज़ भी जाएंगी किचन में, तो लेडीज़ का ही काम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मंदिर कहाँ बनेगा। तो ये देखो ये जो यहाँ पे हॉल है ये सामने जो दिख रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी आपको ये हॉल दिख रहा है, सिर्फ ये रहा हुआ है, मतलब बाकी तो प्लस्तर हो रखा है सारे में, जिसमें अभी बहुत सारा सामान हमने रखा है और आधा तो यहाँ से उठा दिया है, बहुत सारे डब्बे और कितने सारे ये देखो यहाँ पे। तो इस कमरे के हम एक की ये बड़ा हॉल, दो कमरों का नहीं है तीन कमरों का, तीन मतलब एक आगे जो बरामदा है ना एक उसका है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये दो कमरे है ना, तीसरा ये इसको तो इस ये जो ये वाला पोर्शन है ये वाला ना
बंद हम इसको भी कर देंगे, यहाँ से एंट्रेंस रखेंगे एक ही पूरे घर की, और उधर से भी वो बंद पौड़ियाँ भी बंद हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे जो हम यहाँ पे बना देंगे हम एक रैक, मतलब वो जूतों के लिए या कुछ भी, और ये जो है ये परले साइड को हम बना देंगे यहाँ पे मंदिर छोटा सा, और ओरली साइड को बना देंगे कमरा, या फिर परली साइड को बना देंगे कमरा बड़े वाला, और एक छोटा सा कमरा निकालेंगे मंदिर के लिए स्पेशल, क्योंकि पाठी बैठने पे पाठ जब होता है वो बोलते हैं कि ज़मीन पे होता है, वैसे ऐसा मुझे नहीं पता कि ये होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद जो है मंदिर बहुत ज़रूरी है, देखो दो घड़ी अगर शांति इंसान चाहता तो पूजा करके ही आती है, बाकी तो दिन भर हम लगे रहते हैं, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा मंदिर, और बहुत जल्दी अप्रैल में हम इसका काम लगा देंगे, और फिर जो है इसमें भी हम पेंट वैसा ही करवा देंगे जैसा ये इस वाले में भी, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा मंदिर का कमरा बनेगा। तो ये आपका दूर हो गया। और रही तुलसी की बात, उसको हम लेंटर के ऊपर भी बना सकते हैं, उसका जो वो एक छोटा सा घर होता है ना तुलसी का, मतलब जिसके ऊपर तुलसी उगाते हैं, वो लेंटर के ऊपर भी बना सकते हैं, और नीचे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं है, वो सेफ जगह लेंटर के ऊपर सबसे बढ़िया है। तो ये बात थी। और अब रहा पेंट का कितना खर्चा आया, तो मैं आपको कल बता दूंगी कि कितना आया, बाकी बहुत सारे डिब्बे पड़े हुए हैं, और यहाँ से ऊपर को हम रखेंगे एंट्रेंस से जाएगी, और ये भी कवर हो जाएगा, ये सारा कवर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये सारा पड़ा हुआ है, ये सारे डिब्बे देखो पेंट के। तो वैसे मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब हमारा पेंट का खर्चा आया, ठीक है। विद जो काम करने वाले भैया आए थे उनको दे के, और पेंट इतना महंगा हो गया आजकल, अगर पहले के अगर हम 2-2.5 महीने पहले करते तो शायद यही चीज़ जो हमारी 60 या 65 हज़ार में कंप्लीट हो सकती थी। तो अब मतलब काम करवाना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, बहुत महंगा ये एक एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है। बाकी हन्नी के पापा से पूछ लो हमारी सारी पे, और तुम्हें अभी भी गंजी लग रही हूँ मेहंदी के साथ दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल ही गंजी लग रही हूँ, और पीछे बैठे हमारा लाल मुर्गा ले जाको जो। तो चलो अब इसी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। और एक और मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था सुबह वाली वीडियो में कि जब आप गृह प्रवेश करोगे ना तो ब्लैक एंड वाइट ना पहनना, तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोच रहे होंगे कि वो सरप्राइज़ है कि मैं गृह प्रवेश में वो पहनूंगी, तो वो सरप्राइज़ नहीं है, सरप्राइज़ कुछ और है जो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। बाकी दिखती बात है, उसके लिए तो हम लाल रंग का सूट सिलवाएंगे गृह प्रवेश के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर होगी, और आप लोग हैं तो मैं हूँ, मेरी वीडियोस का मतलब है जब आप लोग हैं। बाकी सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो महामाई का है, मेरे इस जो हमने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हुआ है, माता रानी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वो हर पल मेरे साथ रही, और उसके बाद अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। लेकिन पहला जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को, उसके बाद आप और मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी बातें बनाने वाले तो बातें ही बनाते हैं, और बहुत सारी बनाते हैं और बनाते रहेंगे शायद, और खैर मुझे कोई उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता अब, और पता तो लग जाता है, अब मुझे दुख भी नहीं होता, पहले होता था कि और ऐसा क्यों बोल दिया, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो अब मुझे दुख नहीं होता कि मतलब कैसा है क्या है, क्योंकि बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है यहाँ से, आप लोगों का प्यार मिला है, आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ रात का टाइम जब होता है तो बहुत सुकून मिलता है दिल को, और कहीं ढूंढने से भी एक आधा कमेंट नेगेटिव आ जाता है, कहीं ढूंढने से भी, वो भी ध्यान से देखूँ अगर नहीं अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक करके रखा है, जो करते हैं वो कर ही नहीं पाते बैड कमेंट। तो चलो अभी अंधेरा हो रहा है, मुझे गाय धोनी है, और अपना खूब ध्यान रखना, और गर्मियों से अपना बचाव रखना। आपको एडवाइस देती हूँ, खुद आपसे पहले बीमार हो जाती हूँ, ये मेरी सिचुएशन होती है, ठीक है। हनी को भेज देंगे जोजू को लेके घर, और फिर मैं गाय धो लेती हूँ, बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके, और अपनी चीज़ तो अपनी होती है सच्ची में, थोड़े दिनों मतलब ऐसा हो जाता है कि खैर अब कल करूँगी बाकी बातें, आधी बात छोड़ती हूँ मैं, ठीक है। जय माता दी।